तो साथियों हवाला तो भाई ने बता दिया, शुक्राचार्य एक बात के द्वारा यूं कहने लगे, कृष्ण मैं तो कुछ पापी नहीं हूं, जो इस यज्ञ के अंदर बैठे हैं बहुत बड़े पापी हैं, एक एक की पोल खोल रहे हैं, और कैसे आइए सुनते हैं। अर हम मुझते ज्यादा आज पापी बैठे, अरे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक ही दोष मेरे में क्या, अरे आंख मेरी सकानी रह 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 मुझ पे ज्यादा पापी बैठे, इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक दोष मेरे में, अरे आंख मेरी सकानी रह 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 मुझ पे ज्यादा पापी बैठे। आज सभा में और बैठा इंद्र आज सभा में पर सबका सरदार गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार, ताक छुट्टिया ना अभी जान का जाने सब संसार, नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार, वेद व्यास नाना ते पैदा, वेद व्यास नाना ते पैदा, अरबा मन छोट रानी छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी सकानी रे 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 मुझ पे ज्यादा पापी बैठे। जो पांडव करा रहे हैं और वो भी पांडु पे बना रही है अपनी जवानी अपने जोश में, हे कृष्ण छलिए तूने भी पाप कम नहीं किए हैं, कैसे घर के रख देते हैं। माधुरी के कुंती और माधुरी के यहाँ बैठे पांचों लाल, पांडु तेना एक भी पैदा मन में कर लिए ख्याल, पार्वती के संग में आ गया भस्मासुर का काल, ब्रज के में सताई गोपिका तू भी तो चंडाल, बेशक आंख मेरी कानी रे बेशक आंख मेरी कानी पर तेरी एक निशानी छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी से कानी रे मुझसे ज्यादा पापी बैठे। हमारे बाबूजी चौधरी रतन सिंह जी कोट कासिम से
कई सौ रुपए पहले दिए हैं और 100 रुपए फिर से इस रागनी पर दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तीसरी बात में शुक्राचार्य कहने लगे, कृष्ण आज यहां संसार के सभी संत महात्मा बैठे हैं, प्रमोद भाई भगवान विष्णु बैठे हैं, भारद्वाज ऋषि बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, इन ऋषियों ने भी अपनी जवानी अपने जोश में कम पाप नहीं किए हैं, आज ऋषियों के पाप घर रहे हैं। कैसे विष्णु ने वृंदा की गल्या जा करके करी जारी, विश्वामित्र को हूर मैन का लागे थी बड़ी प्यारी, भारद्वाज ऋषि ने इज्जत जा भाभी की तारी, तारा सर ने अपनी बेटी पकड़ लई थी कुआरी, हट कौन सा इनमें बैठा, हट कौन सा इनमें बैठा, उन्हें बतला दियो कहानी, छोटा सा एक दोस्त मेरे में, आंख मेरी सरकारी मुझसे ज्यादा पापी बैठे, और साथियों चौथी आखिरी बात में शुक्राचार्य कहेंगे, कृष्ण मैं जन्म का काना नहीं हूं, मेरी पैदाशी काना नहीं हूं, और मैं मानता हूं किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, कोई एक आंख से काना है, उसका यह मतलब नहीं किसी हवन में नहीं जाए, किसी यज्ञ में नहीं जाए। साथियों अरे कृष्ण मेरी पैदाशी काना नहीं हूं, ये आंख भी तेरे फोड़ी थी, कब और कैसे बताते हैं, हे राजा बल को, राजा बल को छलन गया, राजा बल को छलन गया, अर्पण के अत्याचारी तेन की अंदरी बैठा था, तनसी की आंख में मारी, चंद्रपाल कहे भरी सभा में बैठे सब सत्यधारी, गुरु पापा समझाने लगे रे, गुरु पापा समझाने लगे रे, तुम सुन लियो बात हमारी, बेशक आंख मेरी कानी रे, बेशक आंख मेरी कानी, पर आने जगत न मानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी सकानी रे रे रे, मुझ पे ज्यादा पापी बैठे।